हाय फ्रेंड्स, आज मैं सेब का हलवा बनाने जा रही हूँ। तो सेब को कुछ इस तरीके से छील लेंगे। छिलका आप बाद में यूज कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने सारा सेब छील के रख लिया है। अब इसे पतले पतले टुकड़े या जैसा भी टुकड़ा आपको काटना है उस तरीके से कट करके एक पेस्ट बना लेंगे। हाँ, यदि कद्दूकस करना चाहते हैं तो कद्दूकस भी कर सकते हैं। मैं आज कद्दूकस नहीं कर रही हूँ, मैं पेस्ट बना के बनाऊँगी हलवा आज। ये देखिए, सारा सेब कट चुका है और यहाँ सेब का एक थिक पेस्ट भी बन के तैयार हो चुका है। तो यहाँ मैं ले रही हूँ 1 से 2 चम्मच के करीब करीब घी, और इस घी में जो हमने सेब का पेस्ट बना के रखा था उसे ऐड कर देंगे। और अच्छी तरीके से आप भुनेंगे। हाँ जी, तो मैं बोल रही थी, छिलका आप यूज कर सकते हैं। छिलका बचेगा तो उसे आराम से उसका एक पेस्ट बनाएं और फेस पैक की तरह यूज करें। यहाँ देखिए, सेब का जो पानी है वो धीरे धीरे सूख रहा है और कलर भी चेंज हो रहा है। और यहाँ मैं बस 2 चम्मच के करीब करीब चीनी ले रही हूँ, क्योंकि चीनी मैं ज़्यादा ऐड नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि फ्रूट्स में अपना एक मिठास होता है। पर यदि आप लोगों को ज़्यादा मीठा पसंद है तो और आप और चीनी ऐड कर सकते हैं। तो अब देखिए, चीनी के साथ भी सेब को थोड़ी देर भुनेंगे और ये देखिए कलर भी काफी अच्छा आने लगा है। मैंने कोई फूड कलर कुछ भी यूज नहीं किया है, जो इसका ओरिजिनल टेक्सचर है वही आएगा निकल के। और यहाँ देखिए, काफी अच्छी तरीके से सेब का पानी सूख चुका है और चीनी भी अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है सेब के पेस्ट में। हाँ जी, तो यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी किशमिश, उसके साथ ही बारीक कटे हुए काजू, और इसको फिर अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। हाँ जी, यहाँ पे हमारा सेब का हलवा बनके रेडी हो चुका है। तो बस अब मैं प्लेटिंग की तैयारी कर रही हूँ। और यहाँ देखिए, हलवा अच्छी तरीके से बनके तैयार हो चुका है। हाँ जी, ये देखिए, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।